हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी निकी फूफो। ये कहना तो भूल ही गई कि आपकी दोस्त, आपकी हमजोली, आपकी खैर खा, आपकी हमनवा, आपकी अपनी निकी स्मॉल साइज फूफो। कैसे हैं आप सब? ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एक लंबे अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। बड़ी खुश हूँ मैं। पीछे मैं बड़ी उदास हो गई थी कि पता नहीं मेरे सारे दोस्त यार व्यूअर्स किधर चले गए हैं, और ऐसी लंबी सी छुट्टियाँ हो जाती हैं। लेकिन छुट्टियों में बड़ी इंजॉयमेंट का सीन था जनाबे वाली। जैसे कि आपको पता है ईद उल अज़हा गुजरी है और बड़ा मज़ा आया, और उसके अलावा 14 अगस्त भी थी और हम लोगों ने बड़े पटाखे फोड़े, बहुत पटाखे फोड़े, लेकिन बड़ी लिमिटेशंस के साथ पटाखे फोड़े थे। और ईद उल अज़हा पे भी बहुत ज़्यादा गोश्त का सीन था, बारबेक्यू चलते रहे, बड़ा मज़ा आया, बड़ी इंजॉयमेंट की है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी बड़ा इंजॉय करते रहे होंगे ईद को, और आप लोगों ने 14 अगस्त भी बनाई होगी। डबल खुशियाँ हो गई थी, खटाई सब कुछ हो गया था, समझ नहीं आ रही थी। एक तो पाकिस्तानी कौम ऐसी है ना कि ऐसा कुछ हो जाता है तो बड़ी एक्साइटेड सी हो जाती है, जब दो इवेंट्स कोई साथ आ जाए तो समझ नहीं आती है कि किस तरह से इस चीज़ को इंजॉय करें। तो कुछ लोग तो बड़े उतावले से हो गए थे, ऑटोमेटिक किस्म के हो गए थे, और उन लोगों ने अजीब किस्म की हरकत की। आज आप लोगों के लिए जो मैं निकी फूफो वैसे आज आपको बताऊँ, बड़ी मैं प्यारी लग रही हूँ। ईद उल अज़हा पे जो मुझे गिफ्ट आए थे ना, कपड़े आए थे, उन्हीं में से एक जोड़ा निकाल के आज मैंने पहना है। मैंने कहा जरा थोड़ा आतिशी गुलाबी टाइप सीन होना चाहिए, थोड़ी मॉडर्न सा सीन होना चाहिए, क्योंकि ईद उल अज़हा गुजर गया था, उसके लिहाज से ही मैंने ना अपनी जो है सेटिंग की थी। और मैंने आज आपके लिए जो शो तैयार किया ना, कसम से ऐसा मज़ेदार शो है। मैंने उसमें बड़ी सारी बातें की है, बहुत जासूसियाँ करके न्यूज़ें निकाली हैं आप लोगों के लिए, और जो पिछले दिनों कुछ हरकतें हुई हैं उस हवाले से कुछ मारी चीज़ें भी निकाली हैं। मैंने कहा कि जो इतनी लंबी छुट्टी हो गई मेरी अपनी दोस्तों यारों के साथ, तो उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाना, ज़्यादा सी मैंने न्यूज़ें काटी करनी है निकी फूफो के लिए, ताकि जो है लोग इंजॉय करें, टिडे बिडे सब ठीक है। छोटी आंटी, बड़े अंकल, मोटे अंकल, पतले अंकल, जैसे आपको पता है कि आप सब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त यार हैं, और आप लोगों के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। बड़ी दुखी सी हो जाती हूँ। K2 वालों ने कुछ जुल्म भी किया मेरे ऊपर, K2tv ने बड़े जुल्म किया मेरे ऊपर, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज। लेकिन बड़े अच्छे हुए हैं, पता नहीं इनको एकदम से कुछ हो जाता है ना तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, बड़ी मैं स्ट्रेंज सा फील करने लगती हूँ। पानी भी पहुँचा दिया इन्होंने वक्त पर, K2tv के उसी ऑटोमेटिक किस्म के मग के अंदर चाय भी आ गई है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। शो का जी बाकायदा आगाज करेंगे आज। मैंने सोचा है कि शो के आगाज में आपको ना एक सॉन्ग सुनवा दें, जैसे खुशियों का दौर गुजर रहा है और आजकल बड़ी वेडिंग बेल्स का भी सीन चल रहा है, तो उसी हवाले से एक गाना मेरे ख्याल से चल के शुरू में ही सुन लेते हैं, ताकि उसके बाद जब निकी फूफो अपने फसादी मोड में आती है और रोस्टिंग चलती है और फिर लोगों की मैं ऐसे बाकी उधेड़ती हूँ ना, तो फिर लुक बैक वाला सीन नहीं होता। इसलिए शुरू में गाना सुनते हैं, आप भी इंजॉय करें, मैं तब तक अपनी चाय पीती हूँ, और जब वापस आएंगे तो फिर बहुत कुछ आशो में आप सब नाचती सालिब करके, शबीर भाई इसको बंद कर दें, तो नच दी सलिप करके का अजीब पानी सा गाना था, लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिक किस्म का था और इसमें टिडे मिडे नाच रहे थे और बड़े स्टेप हो रहे थे, मुझे भी स्टेप करने का दिल किया, तो इस वजह से मैंने कहा चलो शुरू में ये गाना सुना देते हैं। थोड़ा भंगड़ा टाइप सीन था, जैसे कि आपको पता है खुशियों का जो है आजकल मौजू चल रहा है, बहुत सारी वेडिंग बेल्स भी हैं। शो में आज आपको मैं बड़ी सीक्रेट बातें भी बताऊंगी, और मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिनको आजकल शादी का सीन ऑन है, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। लेकिन शुरू के साथ, शो के शुरू में ही जैसे आपको पता है ना, एकदम से शबीर भाई कान में कुछ कह देते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आपको पता तो है निकी फूफो थोड़ी शायद भी है, और ऐसा नहीं आता मैं सिर्फ फसाद ही फैलाती हूँ, अच्छी बातची भी हूँ ना, तो इसलिए कोई अगर अच्छी बात करनी होती है तो सकून सकून से आप कर सकते हैं। शो के शुरू में जैसे आपको पता है कि निकी फूफो थोड़ी अपनी आदत से मजबूर है, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ पिछले कुछ अरसे से, जब से K2tv में आई हूँ मेरे अंदर कुछ अच्छी आदतें भी आ गई हैं। उन अच्छी आदतों में एक आदत यह कि मैं लड़ाइयाँ कम कर दी हूँ, लेकिन फसाद तो मेरी नेचर में आना, जेनेटिक्स में आ, मेरे दादा परदादा फसाद की वजह से मशहूर थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फसाद के बगैर जिंदगी जो है मेरी चल सके। जैसे आपको पता है ये बुक मैं जो अपने सामने रखती हूँ, ये बुक मैं क्यों रखती हूँ, इस बुक में मुझे फसादे में आना, इतनी मोटी बुक इसीलिए रखी हुई है कि मैं इसमें से नए नए फसाद निकालती हूँ आप लोगों की जिंदगियों में खुशी लाने के लिए। आज एक ऐसा फसाद K2tv का जिक्र करेंगे, जैसे आपको पता है पाला फसाद मैं K2tv में करती हूँ, चुड़ैल हूँ एक, तो घर नहीं छोड़ती मैं साथ, और मैं पाले ही घर में पड़ जाती हूँ अपने K2tv के घर की एक ऐसी पर्सन के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम, ऐसी लड़की के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो बड़ी मॉडल बनी फिरती है, टिडी मुड़ी सी है, पतली दुबली सी है, और ऐसा उसने अवतार अपना बनाया हुआ होता है। अब आप कह रहे होंगे अवतार क्या होता है, अवतार का मतलब है ऐसा रूप उसने धारा होता है ना कि उसे लगता है जैसे वो बड़ी कोई प्यारी है, वैसे तो प्यारी है लेकिन कुछ ज़्यादा ही ना वो अपनी शौकियों में आती है, और एक और उसका मसला हर वक्त अपनी तारीफें करती है, उसे लगता है बड़ी वो सुपर मॉडल है, देखो तुम सुपर मॉडल तो हो, मैं मानती हूँ तुम पतली दुबली भी हो, और लेकिन सुपर मॉडल इतनी सीरियस सीरियस बातें तो नहीं करते, टीवी शो करती हैं हमारे
दोबारा काटू टीवी का मॉर्निंग शो करती हैं और उसके अलावा भी दो तीन शो करती हैं, सुर सांझे भी करती हैं और बहुत सारे शो काटू टीवी पे कर चुकी हैं। तो उसमें बड़ी सीरियस सीरियस ज़िंदगी के हवाले से बातें करती हैं, ऐसे गुम हो जाती हैं बात करते करते कि उन्हें लगता है वो खुद ही भूल गई कि वो क्या क्या रही थी। और उसके अलावा ऐसे ऐसे पौधे मार के तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई हुई हैं ना कि मैं तो हैरान होती हूँ कि वो वैसे खड़ी कैसे हो जाती हैं एक टांग के ऊपर। और फिर उसके साथ साथ वो एक जो शो करती हैं मॉर्निंग शो, उसमें उनके साथ एक लड़का है जिसके बारे में हमने लड़का तो नहीं है खैर काफ़ी उम्र हो गई है उसका जिक्र किया था, जो कि खाने बनाता है तरह तरह के हर वक्त। उसको वो सैम नाम है जनाब, सैम का जिक्र कर रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ आप लोगों को बताना। हमारी अपनी प्यारी टीडी है, कार्टून टीवी की बड़ी पसंदीदा लड़की है, सैम का जिक्र कर रही हूँ। उसके शो में वो जो दूसरा लड़का है ना, वो उसे साइम साइम करता रहता है और ये टीडी उसे समझाते भी नहीं कि भाई मेरा नाम सैम है, साइम साइम ना कर। तो इस लड़की के कुछ मसले हैं, समझ नहीं आ रही जिंदगी से चाहती क्या, थोड़ी कन्फ्यूज सी है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मुझसे बच रही थी, पिछला शो में भी मैंने सोचा था इसकी रोस्टिंग करूँ, पर निकी फूफो के शार से ये बच गई। मैंने देखा कार्टून टीवी के लोगों को जब से पता चला निकी फूफो यहाँ आ गई है ना, तब से वो मेरे शर से भागना चाहते हैं और अक्सर तो कामयाब होकर भाग भी जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा है अब मैं किसी को भागने नहीं दूंगी। तो शबीर भाई, क्या ये हो सकता है कि हम उस सैम आ गई हैं, स्क्रीन पे आ गई हैं सैम, कोई बात कर रही हैं, तो दिखाते हैं ये क्या बात कर रही हैं। आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अभी है सराइकी है, गिलगित बल्तिस्तान है, हिंदको है, पश्तो है, सुर सांझे में हम मुख्तलिफ ज़बानों के जो हैं वो हम गाने चलाते हैं। पाकिस्तान देखिए बहुत बड़ा है और पाकिस्तान में जितनी भी हसीन ज़बानें हैं हम उन सबको इकट्ठा करके और वो सुर सांझे में हम ऑनियर करते हैं। हमेशा उनके आप जितने भी गाने उठा लेना मुझे पसंद हैं, बट हमेशा दुखी गाने गाते हैं। कभी मैंने उनके ना कुछ फन टाइप गाने ना थोड़े होने चाहिए ना, ये थोड़े भंगड़ा शंगड़ा भी होना चाहिए। कॉल हम सुनते फिर उसके बाद हम बिलाल पे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। अभी जनाब आप देख रहे थे सैम कार्टून टीवी की टेढ़ी लड़की आई है, अभी आपने कुछ उसने सांप टाइप का हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, कुछ मुझे समझ नहीं आई। अब ये कुछ ऐसी तस्वीरें भी बनाती है, आपको पता है ये देखे जी सैम का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा टेढ़ा इसने निकाला है ना बच्चा, उसके साथ इसने तस्वीर खिंचवाई है कैसी, ये सीढ़ियों पर चढ़ गई है तस्वीर खिंचवाने के लिए, ऐसा दिलकश से कपड़े पहने हैं और जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल लग रहा है सांप इसने सर पे पहना हुआ है, ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल बनाती है, ऐसी ऐसी इसकी मॉडलिंग की तस्वीर है, इसको लगता है कि बहुत बड़ी सुपर मॉडल है। ये अपनी सैम शेफ अहमद शेर के साथ मॉर्निंग शो की तस्वीर है इसने, और ये तो बड़ी पहचान ही नहीं जा रही, तुम बड़ी कयूटी पाए सी लग रही हो टीडी। ओ ये देखो गूगल्स लगा लिया, गूगल्स नहीं सॉरी गागल्स होते हैं, पता नहीं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ ना मैं भी। ये आपने इसकी तस्वीरें देखी, बड़ी तेज बनती है, इसे लगता है ये बड़ी सुपर मॉडल है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा देर नहीं करते टीडी से डायरेक्ट बात करते हैं, टीडी का मसला क्या है, टीडी का क्या है, लेकिन सैम से हमारी बात करवा दें। शबीर भाई क्या सैम से बात हो सकती है? अच्छा कह रहे हैं क्या, पता नहीं किसी फैन की कॉल आ गई है, पहले फैन से बात करें। एक तो शबीर भाई भी ना, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है? हेलो जी, मैं अमारा बात कर रही हूँ, आजाद कश्मीर जिला नीलम से। जी हमारा कैसी हो, ठीक हो टीडी? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आपका शो अक्सर मैं देखती रहती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताओ ईद उल अधा कैसी गुजरी तुम्हारी, अच्छी गुजरी? जी बहुत अच्छी अल्लाह का शुक्र। और उसमें तुमने गोश्त मोशत खाया या गरीबों को भी दिया या खुद ही खा गई हो सारा? सबको दिया सबको दिया सबको दिया तुमने, अच्छी बात अच्छी बात। वैसे मुझे ये बताओ घर में क्या लड़ती झगड़ती रहती हो, शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो या अभी पढ़ी हो? जी मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करती हो मियाँ से या कोई नहीं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो शर्मा क्यों रही हो, खुल के तुम अपना मसला बयान कर सकती हो, निकी फूफो यहाँ पे सबके मसले हल करती है, तुम्हारा भी हल कर दूंगी। नहीं नहीं निकी फूफो कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है कोई, तो मैं कर दूंगी ना पैदा, मैं तो मसला ही पैदा करने के लिए, तो मैं नहीं पता मेरे फसाद बड़े मशहूर है, मेरे फसाद बड़े मशहूर है। वैसे कोई तावीज शावीज चाहिए तुम्हें? जी कोई तावीज चाहिए मुझसे तुमको? नहीं मुझे कोई तावीज नहीं चाहिए। अरे तो फिर कोई बात ही, अगर कुछ भी नहीं चाहिए था तो ईद उल अधा मुबारक प्रीवियस जो गुजार गई और 14 अगस्त मुबारक, अल्लाह हाफिज। एक तो ऐसे ऐसे कॉलर्स आते हैं,
ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। देखो शबीर भाई बात सुने, ऐसे कॉलर्स जिनको मुझसे कोई मुस्तफीद होना हो, जिनको मुझसे कोई फायदा हो, वो लोगों से मेरी बात कराया करें ताकि उनके मैं जिंदगी के मौसले हाल कर सकूं। क्योंकि टिडी फूफो का जो टिडी फूफो सॉरी बात तो टिडी वैसे हूँ लेकिन निकी फूफो मेरा नाम है, एक तो टिडी मिडो का नाम लेके मैं अपना नाम भूल गई। निकी फूफो का काम असल में लोगों की जिंदगी में ना मसले पैदा करना है तो, और कुछ मसलों का हल भी करती होती हूँ, यानी हमेशा मैं पैदा करती होती हूँ। वैसे आज मैं लक कैसी रही हूँ, मैंने कोशिश की थी कि जरा थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाए मेरा, एक तो मैंने भी ना ईद उल अधा पे सच्ची बात बताऊंगी बड़े बार भी क्यों खाए हैं बना बना के। वैसे मैं अच्छा खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आता होगा कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मैंने फसादाबाद में बहुत बहुत खाने बनाए, ऐसे ऐसे खाने बनाए थे, ऐसे मसालेदार खाने बनाए थे। मुझे चटपटे खाने बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे चटपटी ज़िंदगी, चटपटी लड़ाइयाँ, ऐसी चीज़ें पसंद है तो खाने भी मुझे चटपटे पसंद है। तो मैंने बड़े खाने शाने खाए, लेकिन मैंने देखा है कि ईद उल अधा पे लोग जो है ना जो हिस्से पा रहे होते हैं ना, जैसे आपको पता है कि गरीबों का हिस्सा होता है, एक आपके रिश्तेदारों और हमसायों का हिस्सा होता है और एक आपका अपना हिस्सा होता है, तो जब लोग हिस्सा कर रहे होते हैं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक बड़ा सारा हिस्सा ऐसा काट देते हैं और दो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिस्सा काट देते हैं, बड़ा हिस्सा वो खुद खा जाते हैं और पेट निकल आते हैं उनके, सालों साल गोश्त उनके फ्रीजर में पड़ा रहता है और छोटे छोटे हिस्से जो है ना वो बड़ी मुश्किल से गरीबों में बांटते होते हैं। तो देखें ऐसे ना करें, आपकी कुर्बानी का मकसद जो है ना वो खत्म हो जाता है। मुझे इस ईद उल अधा पे जो है ना ये सारी चीज़ें देख के बड़ा दुख हुआ था। और जैसे 14 अगस्त गुजरी, छोटी सी बात करूँगी, 14 अगस्त पे भी जो है ना ऐसे इन्होंने पटाखे जगह जगह पे गलियों में फोड़े और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि कहीं कोई बीमार हो सकता है, कहीं कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसी मैं पता नहीं सीरियस बात है क्यों करना शुरू हो गई। और लेते हैं छोटी सी ब्रेक, थोड़ा सा चाय पीऊँ ताकि दिमाग मेरा जगह पे आए, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सैम मेरे शॉर्ट से ना बच पाएगी। छोटी सी ब्रेक लें और जल्दी से वापस आए जाना, वेलकम नहीं बैक किया कहेंगे आपको। निकी फूफो में निकी फूफो वापस आ गई है, काफी लंबी ब्रेक हो गई थी लेकिन ब्रेक में माना उस स्टडी को, वो जिस स्टडी का मैं आपसे जिक्र कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, सैम का जिक्र कर रही हूँ मैं, वो स्टडी जो हमारी काटू टीवी की एक शख्सियत है। शख्सियत मैं सबको इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन्होंने काटू टीवी पे बड़ा काम किया, वैसे भी काम किया है उन्होंने बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा स्टार होता है वो बंदा जो काटू टीवी पे काम करता है। लेकिन देखो निकी फूफो का काम है ना, इनकी जो गलत हरकतें हैं, कुछ ऐसी आदत सकनात है जिनकी वजह से ये रविश पे चल पड़े हैं, उनको रोकना टोकना मेरा काम है ताकि ये लोग जो है अच्छी जिंदगी गुजारे, फसादी जिंदगी, और मेरी तरह वैसे फसादी जिंदगी हो तो ज्यादा अच्छा, चाय की एक चुस्की लूंगी उसके बाद शाम को हम कॉल पे लेंगे। ओके शबीर भाई जी जनाब, सैम जो है उसको हम थोड़ी देर में कॉल पे लेंगे। टिडी मेरे से बच नहीं पाएगी, टिडी को नहीं पता कि मेरी जो पहुंच है वो बड़ी दूर दूर तक है, अगर लोगों को ये लगता है कि वो मेरी पहुंच से भाग सकते हैं या निकल सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं सैटेलाइट के थ्रू भी लोगों तक पहुंच जाती होती हूँ और सैम टिडी तो वैसे भी पतली दुबली सी है, ऐसा करके मैं पकड़ सकती हूँ उसको, ऐसे वैसे भी मेरी बॉडी शॉडी है और मुझे जो है ना किसी को पकड़ना हो तो ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। आज मैं ज़रा देखूँ मैं लक कैसी रही हूँ, ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है मेरा जो है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, कसम से मैं जैसा कहती हूँ वो मुझे तैयार कर देती है, बड़ा स्टाइलों का मेरा ध्यान रखती है। उन्हें पता है निकी फूफो का एक स्टाइल स्टेटमेंट है, उसको खराब नहीं करना। निकी फूफो जो ऐसे बाल बनाती होती है तो उसकी मर्जी के साथ साथ जो है ना हमारी नजमा आपा चलती होती है, बहुत अच्छी सी है। उनको मैंने अभी तक रोस्ट नहीं किया लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा उनके साथ भी शुगल मुगल मैं कर लूँ। वैसे क्या कहते हैं शबीर भाई, सैम हमारी जो है उनसे गुफ्तगू कर सकती हूँ मैं? अभी कह रहे हैं कि उनके नंबर पे कुछ बैल जा रहा है लेकिन अभी तक सैम मेरे फसाद से बच रही है, बच रही है। सैम टिडी अगर तुझे लगता है तू बच जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सैम से बात करते हैं जनाब, सैम लाइन पे आ चुकी है, देखते हैं कैसे बचाएगी मुझसे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सैम टिडी, कैसी हो? ठीक हो निक्की फूफो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हो तुम सैम? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, ऐसे चिकनी चूपड़ी बातें ना करो, ये ऐसी बातें करके मुझे पता है लोग मुझे मक्खन लगाते हैं ताकि मैं जो है मेरे शार से वो बच सके, लेकिन पिछले शो में भी तुम मेरे शार से बच के भाग आई थी, मैंने सोचा है मक्खन नहीं लगा रही। क्या कह रही हो? मैं आपको कुछ भी नहीं लगा रही। आप मुझे कुछ भी नहीं बताओगी? नहीं मैं आपसे पूछूंगी तो बताओगी ना, अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है। वैसे सैम देखो बात सुनो, मैंने बता दिया अपने काटू के लोगों को, मैंने बता दिया कि तुम हमारी काटू टीवी की जो है एक शख्सियत हो, लेकिन कुछ ऐसे जिंदगी के मसले हैं जिस पे हमें बात करनी पड़ती है और निकी फूफो तो तुम्हें पता है काटू टीवी वालों ने मसले हल करने के लिए बुलाया। मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी
तुम अपने शोज जो तुम करती होती हो, सबसे पहले एक पहली बात पे बात करते हैं, उसमें बड़ी सीरियस सी बातें करती हो जिंदगी के हवाले से, ऐसे जैसे बड़ी परेशानी चल रही हो कि देखे रिश्ते ऐसे होते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए, बड़ी तुम कन्फ्यूज हो जाती हो, बात करते करते कहीं खो जाती हो, समझ नहीं आती कि खुद तुम भूल जाती हो कि तुम क्या बात कर रही थी, तो ऐसी कन्फ्यूजन क्यों हो गई है तुम्हें जिंदगी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। अरे मैं तो काफी ऊंचा बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है सैम, दोबारा से रिपीट कर देंगे आप अपनी बात, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सैम मुझे बताओ तुम अपनी जिंदगी में इतनी कंफ्यूज क्यों हो, तुम इतनी सैड सैड बातें क्यों करती हो अपने शोज में? मैं बिल्कुल सैड मूड नहीं होती, समटाइम्स कुछ गेस्ट ऐसे मेरे शो में आ जाते हैं जिनके मुताबिक मुझे वैसे चलना पड़ता है, अदरवाइज मैं ऐसी बिल्कुल नेचर मेरी ऐसी नहीं है। अच्छा तो मतलब तुम कह रही हो कि तुम बड़ी चुलबुली सी लड़की हो। हाँ मैं अगर देखा जाए तो सैम जो है ना बहुत शरारती टाइप और मस्तियां करने वाली लड़की और शरारती माइंड और शरारती करना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा नहीं होता है कि आपको कुछ गेस्ट के मुताबिक आपको मूड वैसा आपको अपनाना पड़ता है, मतलब तुम कह रही हो तुम मूडी शूडी सी हो और गैस के मुताबिक तुम अपने मूड बना लेती हो, चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी तुम्हारी जैसे तुम्हें मुझे पता है तुम एक मॉडल भी हो और तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ी सुपर मॉडल हो, तुम्हारी मैंने अभी कुछ तस्वीरें देखी जिसमें तुम ऐसे ऐसे करके तुमने पोजे बनाई हुई थी, टेढ़े मेढ़े कैसे कर लेती हो ऐसे, इतनी मुश्किल पोजे कैसे बना लेती हो जिंदगी में तुम? अच्छा जिंदगी में तो टेढ़े मेढ़े पोज नहीं बनाए, लेकिन जब किसी काम करने का आपके अंदर जुनून हो ना तो आप हर काम कर लेते हो। अच्छा तो मेरा पैशन है तो वो मैं आराम से कर लेती हूँ शूट, और तो तेरे मेरे पोज निकल रहे होते हैं। मॉडलिंग तुम्हारा पैशन है तो एंकरिंग भी तुम्हारा पैशन है, तुम असल में करना क्या चाहती हो, तुम क्या शो को ऐसे बोलना चाहती हो शोज में, या तुम मॉडलिंग करना चाहती हो, या तुम गाना गाना चाहती हो, तुम करना क्या चाहती हो? निकी फुफो सच बताए तो अब प्लान कर रही हूँ एक्टिंग की तरफ और सॉन्ग की तरफ, तो माशाल्लाह आपकी इतनी हसीन आवाज है, इतनी प्यारी सी आपकी आवाज है, तो इतनी सुरीली आपकी आवाज है, दिल चाहता है कि मैं भी आपकी तरह गुनगुना लूं। ऐसी बातें करती हो ना, मुझे मेरे शबीर भाई ने अभी कान में कहा कि ये सैम जो है तुमको मक्खन लगा रही है ताकि तुम्हारी रोस्टिंग से बच सके। शबीर भाई मेरी आप इससे लड़ाई कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर आप अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा सैम मुझे एक बात बताओ, सैम ये एक मॉर्निंग शो करती होती हो तुम शेफ अहमद शेर के साथ, बाबा शेर के साथ करती हो तुम एक मॉर्निंग शो, शेफ अहमद शेर को तुमने आज तक क्यों नहीं समझाया कि तुम्हारा नाम सैम है, साइम नहीं है, वो तुमको साइम करता रहता है, तुम क्यों नहीं उसे रोकती हो? अच्छा जब स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट शो हुआ फर्स्ट वाला तो वो मुझे साइम ना, तो मैंने कहा अहमद मेरा नाम सैम है, साइम नहीं है, और वो कहते मेरी जबान पे साइन नहीं है, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि अहमद मुझे साइन नहीं मुझे सैम बुलाया करें, और अभी तक अब जाके कुछ बेहतर हुआ वो मुझे अब सैम कहते हैं। शुक्र है वैसे कसम से मैं बड़ी परेशान थी, मैंने कहा टिडी ने इतनी मुश्किल से अपना नाम सैम रखा और उसको पकड़ के उसने साइन बना दिया, एक तो लोगों की खुद मर्जियां जो है मुझे समझ नहीं आती है, सैम वैसे जिंदगी में आकर कौन दो तुम्हें कोई तावीज घंटे चाहिए हो ना तो तुम तावीज लेने के लिए भी मेरे पास आ सकती हो, ठीक है? नहीं निकी फुफो मेरा कोई प्लान नहीं है तावीज, मैंने हर चीज अल्लाह पे छोड़ दी है और जो मेरे हक में बेहतर होगा वो मेरे लिए बेस्ट है, तो तावीज वगैरह पे मेरा कोई बिलीव नहीं है। मेरे तुम निकी फुफो की मशवरों को तुम इस तरह रात तो ना करो ना, मैं तो तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा टिडी। निकी फुफो बिल्कुल नहीं चाह रही, बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। ठीक है मैं तुम्हारे लिए दुआ किया करूंगी, थैंक यू सो मच, वैसे जिंदगी में बहुत सारे मसले हो जाते हैं, अल्लाह हाफिज सैम, जिंदगी में बहुत सारे मसले, थैंक यू सो मच जिंदगी में आपसे बहुत सारे मसले हो जाते हैं जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसी सैड सैड बातें करती है ये टीडी, लगता है जैसे पता नहीं क्या मसला चल रहा है इसकी जिंदगी में, और उसके साथ साथ ऐसी पोजे बनाती है, मैं तो कसम से मेरे से तो कभी नहीं होता, मैं तो बस यूं करती रहती हूँ, यही मुझसे होता है, ऐसी पोजे नहीं बनाई जाती है, लेकिन जैसे इसने हमें बताया कि इसे जिंदगी में मॉडलिंग करने का बहुत शौक है, आपने आपको बड़ा सुपर मॉडल समझ दिया, तो चलो कोई नहीं बनाने दो मशवरों के लिए, अगर तुम फिर भी छुप छुपा के मेरे पास आना चाहो, अगर लोगों को बताए बगैर तो तुम आ सकती हो। अच्छा जनाब
शो को आगे लेके चलेंगे, जहाँ से आपको पता है कि हम फसादात की बातें करते हैं, जिंदगी के फसादात हो या फेसबुक के फसादात हो या सोशल मीडिया के फसादात हो, कुछ ऐसा फसाद है जो मैं आपके लिए कैसी लग रही हूँ आज? अच्छी लग रही है टिडी निकी फूफो स्मॉल साइज। अच्छा, तो ऐसे कुछ फसादात होते हैं जो जिंदगी के बड़े जरूरी होते हैं। सोशल मीडिया, आजकल बड़ा दौर है सोशल मीडिया का, तो उधर के फसादात मैं आपके लिए निकालती हूँ। जैसे आपको पता है कि ईद उल अदहा गुजरी है अभी, और ईद उल अदहा पे जो जानवर की कुर्बानी होती है, देखे वो हमारा एक मजहब है और हमें बड़े उसे जो एहतराम के साथ कुर्बानी करनी होती है। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसी वीडियो देखी कि कसम से मेरा दिल खून के आंसू रोया, मैं बड़ी परेशान हुई। फिर मैंने सोचा कि निकी फूफो परेशान ना हो, निकी फूफो शो में जो है मैं अपनी दुनिया को, देखने वालों को, काटू टीवी के तमाम लोगों को ये दिखाऊंगी कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। तो प्लीज चाल के ये देखें वीडियो में क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में ये क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने बैल को खुला छोड़ दिया बंदे ने, और ये उसके ऊपर फायर कर रहा है और ये बैल गिर गई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ने पता नहीं लोगों के अंदर किस तरह का दिल डाला है कि फायर करके आप उसको जिबा कर रहे हैं और जैसे ही वो मर जाती है, मुझे तो समझ नहीं आती। देखे ये कोई शिकार तो हो नहीं रहा, ये कोई शिकार नहीं कर रहे आप, ये आप कुर्बानी कर रहे हैं, और कुर्बानी करने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका है जो हमें बताया किया गया है। तो ये एक ऐसा जुल्म है, ये एक ऐसी अजीब सी ना इंसानी सी चीज़ है। अल्लाह ताला को जो है ऐसी चीज़ें बहुत नापसंद है कि आप एहतराम जो है नहीं कर रहे उस जानवर का जो आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करते हैं। पर ऐसी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल नहीं करते कि आप उसे गोलियां मार के अजियत दे दे के मारें और वो तड़प के मरेगी और फिर उसके बाद आप उसके हिस्से करेंगे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा लोगों ने जो है आज तक इतनी दुनिया आगे चली गई है लेकिन लोग चीज़ों को नहीं समझ सके। बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। लेकिन पुप्पो रोने वाली हो गई थी। तो शबीर भाई कॉलर आ जाते हैं ना, देखा रुका मैं बात करती हूँ कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है? हुसैन खान वाकेन से। कौन बात कर रहा है? हुसैन खान वाकेन। कैसे हैं जी, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? टीडी निकी फूफो के शो में आपने कॉल किया। ये शो में इसलिए फोन किया कि आपने वीडियो में वो दिखाया क्या जो बच्चों में मारा बंदूक। समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज ठीक सारे तरह से बात करें, आपकी आवाज बड़ी कम कम आ रही है। कॉल जो आज चली गई है, पता नहीं कंफ्यूज थे भाई साहब क्या बात कर रहे थे। देखे आप जो है टीवी की आवाज बंद करेंगे तो मेरे से बात कर पाएंगे, इस तरह से कंफ्यूजन में बात नहीं होगी। बात कर रही थी मैं बाल की कि उसने उसको बड़े गन से जो है फायरिंग कर करके जो है उसकी कुर्बानी की, जो कि अल्लाह ताला के हाँ ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं आती। लोग दुनिया बहुत आगे चली गई है, प्लीज आप भी अपना दिमाग खोलें और बेशक बहुत सारे फसाद जिंदगी में फैलाएं पर जुल्म मत करें। मैं जुल्म के बहुत खिलाफ हूँ। और निकी फूफो को जब गुस्सा आ जाता है ना तो निकी फूफो तो फिर जाना बांदे का बहिया उधेड़ देती है। मैं बहुत गुस्से में आ गई हूँ, मेरा मूड अच्छा करने के लिए। अच्छा कोई गाना, एक अच्छा एक फसाद वैसे जहन में आया, एक मैं शुगली भी फौरन हो जाती हूँ ना, एक ऐसा गाना निकाला जराबे वाली मैंने आप लोगों के लिए। देखें ये टिड़ा कर क्या रहा है, आजकल बड़ी शोइयाँ मारता है, बड़ी क्रिकेट के बारे में बातें करता है लेकिन एक ज़माने में इसने ऐसे भी गुल खिलाए हैं। वह निकाली है मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो, जब वापस आएंगे तो इसके बारे में जरा डिटेल के अंदर बात करेंगे। भांगड़ा पाओ ये जी था हमारे फखरे आलम। फखरे आलम क्या करते रहे आप जिंदगी में, आप इतने ऐसे ऐसे गुल खिलाए मुझे तो पता ही नहीं था। कसम से जब ये मैंने वीडियो देखी तो मैं तो परेशान हो गई। ये कैसे गाने बनाते हैं आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? ये मौसीकी कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये एक जॉब है, इसको बड़ा सीरियस तरीके से करना होता है। ऐसे आप मुंडी और कुड़ी और भंगड़ा पाओ कह दोगे तो लोग क्या भंगड़ा पाएंगे? ऐसे भंगड़े होने लगे ना तो कसम से शादियों पे परेशानी मच जाए, मुझे समझ नहीं आती है। अब ऐसी कसम से सीरियस सीरियस बातें करते हैं क्रिकेट की, कुछ ऐसी कमेंट्रेटर यहाँ कर रहे होते हैं ना फखरे आलम। इन्होंने हम सबसे छुपाया कि उन्होंने ऐसे ऐसे गुल खिलाए। प्लीज मौसीकी को मजाक ना समझे, हर बंदे को लगता है वो सिंगर है, बड़ा करता है अगर आपका गाने का तो प्लीज बाथरूम में गाया करें। और ये इन्होंने शुरू में अपनी जिंदगी का शुरू में कुछ सिंगर बनने की कोशिश कर की थी लेकिन वो नाकाम हो गई। शबीर भाई मुझे लग रहा है आप बहुत बड़े फैन हैं फखरे आलम की सिंगिंग के, जो आप बड़ी साइडें ले रहे हैं, बहुत साइडें ले रहे हैं। और आइए जी देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कौन है? मैं
मैं किरण बात कर रही हूँ डीजी खान से। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिल लिया, फर्स्ट टाइम मैंने आपका शो देखा है। पहले हमारे डीजी खान में मतलब ये चैनल नहीं था। अब आ गया आपके डीजी आई खान में ये चैनल, कैसी लग रही हूँ मैं और कैसा लग रहा है आपको निकी फूफो? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। गुजरी हुई आपको मुबारकबाद, मेरी तरफ से भी ईद उल अदहा गुजरी हुई आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। मैं जरा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं अपना, आप मेरा फसादाबाद से ताल्लुक है और अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कोई फसाद करवाना है तो आप उसके लिए मुझसे मशवरा ले सकती हैं। वैसे मुझे बताएं आप मुझे हाउस वाइफ लग रही है, क्या आप वाकई हाउस वाइफ है? नहीं तो फिर मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने सेकेंड ईयर के भी पेपर दिए हैं। के बड़ी माचियोर किस्म की आवाज है आपकी, आई एम सॉरी। अच्छा मुझे बताओ टीडी, वैसे तो मैं आपको टीडी कह ही सकती हूँ क्योंकि आप तो अभी टीडी हैं, छोटी हैं, मेरी माची लगती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कोई फसाद कराना है जिंदगी में, या बोरिंग टाइप सीन है, या आप भी लड़ती झगड़ती रहती हैं लोगों से? नहीं नहीं बिल्कुल फसाद नहीं करवाना। आजकल जैसे हमारे मुल्क में फसाद हो रहे हैं, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी फसाद ना ही हो तो अच्छी बात है। नहीं देखो जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत अगर आपस में एंजॉय करने के लिए फसाद हो जाए तो वो तो इतनी बुरी बात नहीं है। आप बड़े फसादों के वैसे होता है वो तो किसी को हंसाने के लिए ना, आप ऐसे कहना फसाद नहीं करवाना चाहिए। फसाद ही बातें कर रही हूँ ना मैं एक्चुअली फसाद। वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, जैसे की आजकल माहौल चल रहा है ना उसमें तो हमारी जिंदगियों में इतने बड़े बड़े फसाद है, अल्लाह ताला रहम ही करे। अच्छा वैसे मैं आपको एक मशवरा देती हूँ जिंदगी में, कभी भी अगर आपको निकी फूफो के मशवरे की जरूरत हो कार्टून टीवी आपने आ जाना है। कार्टून टीवी में अगर आप आएंगी तो मैं आपको तावीजे भी दे सकती हूँ, फसाद फैलाने के तरीके भी बता सकती हूँ ताकि आपकी जिंदगी चुलबुली हो जाए। मुझे दुआओं की जरूरत है क्योंकि मेरा रिजल्ट आने वाला है, आप अच्छी दुआ करें कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ, बहुत अच्छे नंबर लूंगा। अच्छा ठीक है आपका रिजल्ट आने वाला है, मैं दुआ करूंगी कि आपका रिजल्ट अच्छा सा आ जाए और फिर उसके बाद आप मेरे से मुलाकात करें और मैं आपको दुआएं दूंगी। वैसे निकी फूफो की दुआएं बड़ी कबूल हो जाती हैं, इसलिए कबूल हो जाती हैं क्योंकि निकी फूफो दिल की बड़ी साफ है, दिल में कोई बात नहीं रखती। आप मुझे इसी तरह से कॉल करती रहे और मुझे पसंद भी करती रहे, मेरी तारीफ भी करती रहे और फसादे शसादे थोड़ी बहुत फैला दिया करें ताकि जिंदगी में आप के रंग आ जाए जैसे मेरे कपड़ों में रंग है। ओके थैंक यू बाय टिडी। आज पता नहीं मैं बड़ी अच्छी सोल फील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं बड़ी आज जो है ना नेक परवीन टाइप हो गई हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई बड़ी अच्छी बच्ची वाली जो है बातें हो गई हैं और मैं जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ। फसाद पता नहीं मेरे अंदर से किधर चला गया, जब से फसादाबाद से दूरी इख्तियार किया ना तो मेरे अंदर से फसाद जो है ख़त्म हो रहा है। लेकिन यह ना समझे कि मैं लोगों की जिंदगियों की जासूसी नहीं कर रही, निकी फूफो हर जगह मौजूद है, निकी फूफो हर जगह टांग भी अड़ाती है, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती है, छोटे मोटे फसाद तो वैसे चलते रहते हैं। एक चाय की चुस्की लेंगे, लेकिन चुस्की तो मैं लेती रहूँगी, लेकिन मैं आपको कह रही थी कि चल के लेते हैं वही टेढ़े बूढ़े की तरह एक छोटी सी ब्रेक, यूँ जाएंगे यूँ आएंगे और जवाब आएंगे तो बड़ा एंजॉयमेंट है शो में, जाएं और जेल लें थोड़ी सी ब्रेक। अरे जी जाना वेलकम नी बैक, क्या कहेंगे आपको निकी फूफी टिडी स्मॉल साइज फूफी। वैसे आजकल मैंने अपने बड़े ढेर सारे नाम बना लिए, कंफ्यूज सी चल रही हूँ, कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल, प्यारी लग रही हूँ, एक तो दिन ब दिन निखरती जा रही हूँ ना, मैं बड़ा पसंद करती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छा जाना अब आगे चलते हैं, अभी ब्रेक में जो है मैं आज सोशल मीडिया पे ना स्क्रॉल कर रही थी, आपको पता निकी फूफो के बहुत सारे फैन भी हैं और निकी फूफो को लोग मैसेज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एक सवाल मुझे मौसूल हुआ है उसका जवाब मैं देना चाहूँगी, कहते हैं जी निकी फूफो से एक सवाल ये है कि निकी फूफो से एक ये सवाल है कि ये बच्चों को हम क्यों पूछते हैं कि पापा अच्छे लगते हैं या मामा, या आलिर अशारी कह रहे हैं कि ये हम बच्चों से क्यों सवाल करते हैं कि पापा अच्छे लगते हैं बेटा या मामा अच्छी लगती हैं। बड़ा इन्होंने अच्छा सवाल किया, वैसे आज तक मुझे भी समझ नहीं आई, निकी फूफो को भी नहीं समझ आई कि ये बच्चों से हम ऐसा सवाल क्यों करते हैं, उनके दिमाग में बचपन से ही ऐसी बात डाल देते हैं कि वो मामा और बाबा का कंपैरिजन है और बच्चे जो है फिर पूरी जिंदगी मामा बाबा दोनों को खुश करते रहते हैं और दोनों को कहते हैं। कुछ बच्चे तो बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के होते हैं, बड़े सियासी किस्म के होते हैं तो वो आगे से जवाब दे देते हैं कि हमें दोनों पसंद है, और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मामा के सामने कहते हैं हमें मामा पसंद है, बाबा के सामने कहते हैं हमें बाबा पसंद है। देखिए ऐसा बच्चों से सवाल ना किया करें जिसकी वजह से बच्चे जो है ना माँ बाप के बीच में कंफ्यूज हो जाए और मुकाबला करने लग जाए, बच्चों का दिमाग बड़ा कमजोर सा होता है तो उनको ऐसी सियासतों में ना फंसाएं तो अच्छा होता है। जनाब आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा, कॉल आई है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो जी सलाम अलैकुम, कौन है? वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं सोगरा बोल रही पर जी। कौन बात कर रही हो, इतनी पेंडू आवाज है तुम्हारी, कौन बात कर रही हो? सोगरा
तेरे नाल ज्यादा ते पांडू नहीं ते नी ज्यादा पांडू है। अरे कसम से मुझे ऐसी पेंडू आवाज की बिल्कुल समझ नहीं आती। एक तो पंजाबी में बात करते हैं लोग, मुझसे समझ नहीं आती। निकी फुफो मॉडर्न टाइप है, उर्दू में बात करो। निकी फुफो मैं सोगरा बोल नहीं पाई। सोगरा कैसी हो? सोगरा ठीक हो? किधर से कॉल कर रही हो? लारो कौन सी जगह है वैसे? फसाद। अच्छा लाहौर से कॉल कर रही हो? इतनी कसम से सीधी सीधी बात करो। टेडी सी हो वैसे, क्या चल रहा है? कैसी गुजरी तुम्हारी ईद उल अदहा? निकी पप्पो खाली तवीज दे दी है कि कोई इलाज विलाज भी कर दी है? इलाज नहीं करती, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तावीज देती होती हूँ। वैसे तुम्हें लगता है एक तावीज की जरूरत है दिमागी इलाज के लिए? क्यों ठीक कह रही हो? जरूरत एक भरजाई है वो ज्वेरिया नाम दी, उसको ज्यादा जरूरत है। भरजाई को जरूरत है तुम्हारी? क्यों क्या करती है वो तुम्हारे साथ? भरजाई नु तवीजां दी ज्यादा जरूरत है। अच्छा भरजाई को तावीजां दी ज्यादा जरूरत है? भरजाई को क्यों जरूरत है? ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है उसको? वो लोगों के झगड़े फसाद करा दी गई है। अरे लोगों के झगड़े फसाद करा रही है वो तो बस मेरी जगह है दोस्त है। देखो जिंदगियों में फसाद कराना बड़ा जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि जिंदगी वरना बड़ी बोरिंग टाइप हो जाती है, और बोरिंग टाइप अगर जिंदगी हो जाए ना तो फिर जिंदगी का क्या मजा। वैसे मुझे एक बात बताओ, ईद उल अदहा पे तुमने कुर्बानी की है? कुर्बानी की थी तो? अच्छा मुझे बताओ गोश्त सारा खुद ही खा लिया है या अभी फ्रिज में संभाल के रखा हुआ है या गरीबों में बांटा है तुमने? जी सारा खा लिया। सारा खा लिया? तुमसे मुझे यही उम्मीद है, गरीबों में भी बांटते हैं और ऐसे नहीं बांटते। शुक्र अल्लाह दा, शुक्र अल्लाह दा, एहसान है अल्लाह दा, बहुत एहसान है। चलो ठीक है, अगर कोई काटू टीवी आना हो और अगर तुमको किसी तावीज शावीज की जरूरत हो तो मुझसे तावीज ले लेना, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज बाय। एक तो लोग जो है ना कॉपी काटना बहुत ज्यादा करते हैं, निकी फूफो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए लोग, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि चलो अच्छी बात है, निकी फूफो है इतनी स्टाइलिश चीज का लोग इम्प्रेस हो जाते हैं निकी फूफो से। अच्छा जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हम सोशल मीडिया फसादात का जिक्र कर रहे थे, तो कुछ ऐसे फसादे हैं, ऐसी फसादे हैं जिनको हमने शो में बयान कर रहे हैं। एक हमारे बहुत ही नामी करामी बॉलर है और क्रिकेट की फील्ड से उनका ताल्लुक है, बड़े दुबले पतले कुकी पहलवान टाइप है वो। उन्होंने अभी अभी एक ऐसा गुल खिलाया, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ ऐसी न्यूज आ रही थी जिसमें पता चला था कि उनकी शादी होने वाली है बड़ी प्यारी एक लड़की आरजू से, सामिया आरजू से। और जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथों में हाथ नैनों में नैन, और ये जो है दुबई में खड़े हुए हैं और इनका ये प्री वेडिंग शूट है शादी से एक दिन पहले, ये इन्होंने शूट कराया अपने होने वाली बेगम के साथ। लड़की बड़ी कयूटी पाए सी, कसम से बड़ी कयूटी पाए, लंबे लंबे बाल है, शामिया आरजू नाम है इसका लड़के, हसन अली, बड़ी प्यारी जोड़ी है। इनकी शादी जो है कल तय पाई और ये बन गए दूल्हा दुल्हन। जाना बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ा हाथों में हाथ, बड़ा रूम में आंटी किस्म का इनका जो है फोटो सेशन इन्होंने करवाया हुआ है। जनाब इनको शादी मुबारक। जैसा कि मैंने शो के शुरू में ही शादी के लिहाज से एक गाना चलाया था ना ढोल ढमक्के वाला, तो मैंने आपको बताया था वेडिंग बेल्स, वेडिंग बेल्स। वो वेडिंग बेल्स इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत लोगों की शादियां हो रही हैं और इन्होंने शादी से एक दिन पहले 20 अगस्त को इनकी शादी थी, 19 अगस्त को इन्होंने प्री वेडिंग शूट करवाया, बड़ा स्टाइलिश किस्म का, बड़े हाथों में हाथ नैनों से नैन मिला के मोहब्बत जो है बड़ी इनकी चल रही है। जैसे आपको बताया कि शादियों का सीजन है, उसी तरह कल मुझे ऐसा धचका लगा ऐसा सोशल मीडिया पे एक चीज देख के, हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े अच्छे, बड़े हैंडसम किस्म के कयूटी पाई टाइप लड़के हैं जी, हमजा अली अब्बासी और ये हैं जी नेमल खावर, ये जो हैं दो अदाकार हैं। और हमजा अली अब्बासी छुपे रुस्तम निकले जालिम, बताया भी नहीं। इनकी शादी जो है 25 अगस्त को निकाह है जनाब इनका। ये दोनों अदाकार हैं, इनका ताल्लुक भी नेमल खावर का इस्लामाबाद से है और वैसे ये पश्तून है हमारी और बहुत प्यारी सी हैं, ड्रामास भी कर रही हैं, एक्ट्रेस हैं ये। और इसके अलावा इन दोनों की शादी जो है छुपी छुपाई बात हो गई, पता भी नहीं चला किसी को कब से चक्कर चल रहा था इनका, मोहब्बतें हो रही थी और अब इनकी जो है शादी 25 अगस्त को कुछ ही दिन बाद है। मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। हमजा अली अब्बासी के बारे में हम हमेशा सोचते थे ये सब में बड़े नुक्स निकालते हैं, इनकी शादी कब होगी, तो फाइनली जी वेडिंग बेल्स इनकी शादी भी जो है अभी 4 दिन बाद हो जाएगी। तो जब इन्हें पता चला कि लोगों ने इनकी न्यूज़ ब्रेक कर दिया, निकी फूफो तक इनकी बात पहुंच चुकी है और निकी फूफो को इनकी शादी के बारे में पता चल गया है, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अभी कुछ देर पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे लिख ही दिया कि आप लोगों ने तो कसम से मेरी न्यूज़ खुद ही आपस में लोगों को बता दिया, तो मैं फिर आपको अपने मुँह से बता देता हूँ कि जनाब मेरी शादी 25 अगस्त को तय पाई है और अभी इनकी शादी होगी, तो आई विश यू गुड लक।
और हैप्पीनेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड साली बारेशंस। आई होप कि आप जो है जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारे, दोनों बड़े कयूटी पाटूटी पाए से हैं, बड़े प्यारे प्यारे लगे मुझे, हसन अली भी बहुत अच्छे लगे, उनकी बीवी भी बड़ी अच्छी लगी, उनकी शादी हो चुकी है असली बीवी बोल दिया, और इनकी भी होने वाली बीवी इज वेरी ब्यूटीफुल कयूटी पाटूटी। मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं इस तरह की लड़कियाँ लड़के देखती हूँ ना प्यारे प्यारे से, और इनकी शादियाँ हो रही होती हैं, मुझे भी बुलाया करें ना। अच्छा तो जनाब आगे चलते हैं। शाबीर भाई आप जो है ना कान में मेरे टुका टाकिया करने से बाज नहीं आएंगे, बानियाँ शूलियाँ ही हैं आप भी। अच्छा जनाब शो में आगे चलेंगे, जैसे आपको पता है हमारा एक सेगमेंट है ओलर्ड इज गोलर्ड, ओलर्ड इज गोलर्ड। लेकिन शाबीर भाई एक ऐसी मैंने वीडियो भी आपको चलाने का कहा था, एक हमारी अम्मा हैं वो बड़ा ही अच्छा गाती हैं, उनकी भी मैंने वीडियो एक आपके लिए निकाल के रखी है, लेकिन चले शाबीर भाई की भी कभी सुन लेती हूँ, वरना वैसे हमेशा मेरे से गिला करते रहते हैं, आप मेरी बात नहीं सुनती है। अच्छा जनाबे वाली एक हमारा सेगमेंट है ओलर्ड इज गोलर्ड, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ पुरानी चीज़ सोना होती है, सोने का मतलब बड़ी अहमियत है उसकी। उसमें मैंने आपके लिए एक गाना निकाला है पुराना पाकिस्तानी, बड़ा प्यारा गाना है नूरजहां मैडम, नूरजहां मलका तरन्नुम की आवाज़ में, तो चल के सुनते हैं, और जब वापिस आएंगे तो शो में बड़ा कुछ है आप लोगों के लिए। वो अपनी जो सोसाइटी है उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, टिड़े मुड़ों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। पिछले दौर में जब ये फिल्में बना करती थी तो पूरी पूरी फैमिली जाती थी फिल्में देखने के लिए, ऐसी फिल्म होती थी, फैमिली मूवी होती थी। आप तो अल्लाह की कसम आप किसी छोटे बच्चे को अपने साथ लेके भी नहीं जा सकते, बल्कि हम भी नहीं देख सकते। अजीब और गरीब किस्म की फिल्में बनाते, कहते हैं कि जी हम फैमिली मूवी बना रहे हैं, लेकिन उसमें फैमिली को दिखाने वाला कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे गानों को मैं बहुत मिस करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने शो में जो है ओल्ड इज गोल्ड रखा है, ताकि जो है आप लोगों को पसंद आए और हम अपने शो में जो है ओल्ड चीजें भी दिखाते रहे। मैंने जैसा आपको बताया कि हम सोशल मीडिया फसादात की बात करते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है जो देख के आप बड़ा हैरान हो जाते हैं, तो पिछले दिनों मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जो जिसे देख के मैं बड़ी खुश भी हुई, बड़ी परेशान हुई, पर मैंने सोचा कि कार्टून टीवी जो है उस पर मैं ये शेयर करूंगी, आपने टिड़े मिटो को दिखाऊंगी, चाल के देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। मौजू की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी है प्यार का नगमा है। मौजू की रवानी है जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है। बहुत ही प्यारा जो है आंटी गा रही थी, इतनी खो गई मैं कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि चलो आंटी की जगह जो है निकी फूफो को दिखा देते हैं। ऐसी ऐसी टैलेंटेड लोग दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। अब ये आप देख सकते हैं हमारी प्यारी कयूटी पायस ये आंटी थी, इतनी प्यारी इनकी आवाज़ थी, कसम से लगता था नूरजहां का जो पुराना वर्जन है वो गा रही हैं। तो हमारे यहाँ मुल्क में इतना इतना टैलेंट है, कसम से दुख इस बात का होता है कि हम लोग कदर नहीं करते, प्लेटफॉर्म नहीं देते उनको आगे बढ़ने की, हम जो है तमन्ना नहीं देते, उनका सपोर्ट नहीं करते। अगर आप ऐसे सिंगर से अच्छा गवाएं तो कसम खुदा की आपके जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, मौसीकी जो है कि उसकी इंडस्ट्री वो यूं जो है ऊपर चली जाएगी। जनाबे वाला कॉल आई है, कॉल आई है, देखते हैं किसकी कॉल है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम निकी फूफो। वालेकुम अस्सलाम, कौन है? ओ जी निकी फूफो अपने भतीजे भूल गई हो? अब्दुल्ला खान बट गराम से, कैसे हैं अब्दुल्ला खान? ठीक है आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है निपू निकी बुबू, मैं तो पूरा हफ्ता आपका इंतजार कर रहा हूँ, और जब यहाँ जाता हूँ तो दिल खफा हो गया, आपने नाम ही मेरा नहीं याद रखा। ना कसम से, देखो अब्दुल्ला खान आप बटगराम से हमेशा कॉल करते हो, लेकिन टीडे मसला ये है ना, इतने सारे कॉलर्स होते हैं ना निकी फूफो कंफ्यूज हो जाती है, एक तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, परेशानी होती है, समझ नहीं आती है ना कैसे हो, ईद उल अदहा कैसी गुजरी? आपको मुबारक हो मेरी तरफ से। अब तो वो बच्चों का एक शेर भी है ना जिसका मकसद ये है कि ईद तो गुजर गई, अब मेहंदी के साथ क्या करें, लेकिन फिर भी चलो आपको और आपके पूरी टीम को मेरी तरफ से वो ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कोई फसाद किया तुमने या ऐसे ही अभी बोरिंग टाइप सीन चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, फसाद किया है, और इसीलिए एक मसला पेश आया था निकी फूफो, और वो मसला आपने आज और अभी हल करना है। क्या मसला है बताओ मुझे। नहीं आप मुझे वादा कर ले मुझसे कि आपने हल करना है अभी।
देखो हल करने का मैं वादा तुमसे तब करूंगी जब तुम मुझे पैसे दोगे। मुफ्त में मसले हल कर करके मैं तंग आ गई हूँ। काटू टीवी में मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने नया जोड़ा बनवाना है। वो मुझे पता है, लेकिन अपना वो शबीर है ना, वो आपको दे देगा मेरी तरफ से पैसे, मैं फिर उसको दे दूंगा। अच्छा ठीक है, शबीर से ले लूंगी, शबीर भाई से ले लूंगी। शबीर भाई ठीक है, ओके बताएं क्या मसला है। मसला ये है कि आपने पहले तो वादा कर लेना कि आपने पूरा करना है मसला मेरा। हाँ मैं मसला पूरा कर दूंगी ना, बता भी दो। पक्की बात है ना? अरे एक तो इतने ज्यादा जो है ना हमारे टिड़ों के मसले चल रहे हैं, बताए ना, मैं जबान की बात की हूँ। निकी प्रभु एक मसला है मेरा, और वो है ना बिस्मिल्ला करा, आपने तो सुना होगा ना, अब तो मरा। लेकिन मैं वो डेडिकेट करता हूँ अपना जनाब कामरान राजा साहब को, जो आपके सीओ साहब है, हमारे भी दिल के धड़कन है, तो मैं उनको और आपकी पूरी टीम को ये डेडिकेट करता हूँ। ये आपने अभी निकी प्रभु सुनाना है, मैं सुन लू ठीक है? बिस्मिल्ला करा की फरमाइश कर दी तुमने मुझसे, एक तो कसम से हमारे ये जो फैन है ना इनकी समझ नहीं आती, निकी फूफो को मौसीकी का पता है, पर एकदम से सडन सडन फरमाइश कर दिया। चलो ठीक है, तुमने फरमाइश किया तो मैं कोशिश करूंगी इसी शो के अंदर मैं ये गाना आपको सुना दूं, ठीक है? अभी 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 आपने सीओ साहब को मैंने ये डेडिकेट किया। अच्छा ठीक है, मैं ये गाना आपको सुना देती हूँ, आप परेशान ना हो, आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से सलाम जी। वालेकुम असलम, गुड बाय, बाय बाय टुडे। एक तो कसम से निकी फूफो से जो है बहुत सारा जो है ऐसी फरमाइशें होती है, लेकिन क्योंकि ये हमारे कामरान साहब के लिए डेडिकेशन है अब्दुल्ला खान बटग्राम की तरफ से, लेकिन सुना वो मेरी आवाज़ में ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज हो गए हैं ना, तो चले मैं आपको सुना देती हूँ। आप लोगों ने मुझे जो है ना ज़्यादा आंखें बंद करके देखे, आप मुझे शर्म आती है अगर आप मुझे गाना गाते हुए कोई देख रहे ना। माड़ा ते माड़ा सैयार जो ए, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो ए, क्यों ढोले दा क्यों माये दा, गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्ला करा, ओ माड़ा ते माड़ा सैयार जोए। जी जनाब, हमारे कामरान राजा साहब के लिए ये डेडिकेशन थी जो कि मैंने फौरन सुना दी आपको, आई होप अच्छा लगा होगा। वैसे ऐसी ऐसी सडन फरमाइशें मत क्या करें, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे तैयारी करनी होती है ऐसे, क्योंकि लिरिक्स का लिखाइयों का मसला होता है ना, जहन वैसे मेरा आजकल कमजोर हुआ है, बादाम नहीं खाए मैंने कब से। अच्छा जनाब, स्पाइडर मैन की बात कर रहे हैं शबीर भाई कान में, आप मेरे स्पाइडर मैन अभी कहां से आ गया, मैं परेशान हो जाती हूं। अच्छा ये उस स्पाइडर मैन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी मजेदार सी चीज आपको मैं दिखाने लगी हूं, ऐसी वीडियो में मजेदार सी दिखाने लगी हूं। सोशल मीडिया पे एक फसाद मैंने देखा था, फसाद मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि लोग ऐसी चीजों के पीछे बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। चल के देखें ये वीडियो, फिर बात करते हैं इसके बारे में। स्पाइडर मैन आपने देखा, जोकर था नीचे, कुछ ऐसे अजीब अजीब से कैरेक्टर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पाइडर मैन फिल्म से निकल के यहाँ कहाँ गया, पाकिस्तान के किसी एक शहर मीरपुर में ये जो है पाए गए, वहाँ कोई वंडरलैंड बना रहे हैं वो, जिसमें इस तरह के ये जो नमूने आ रहे हैं उन्होंने खड़े कर दिए, लोग बड़ा महजूज हो रहे हैं इनसे, जिसमें स्पाइडर मैन भी हैं, जोकर भी हैं, बैटमैन भी हैं, डिफरेंट कैरेक्टर हैं, जितने भी हमारे ये डिज्नी मूवीज के कैरेक्टर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और उसके अलावा ये तमाम लोग जो है तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ पे मौजूद है, और लोग जाके बड़ा हैरान हो रहे हैं, उनको नई ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई मूवी देख रहे हैं। लेकिन आपने कभी भी ऐसा ठुमके लगाता हुआ स्पाइडर मैन और बैटमैन नहीं देखा होगा, लेकिन आप इधर देख सकते हैं। ये वीडियो जब मैंने देखी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई, मैंने कहा लोगों को बताऊंगी कि पाकिस्तान में भी हमारा स्पाइडर मैन आ गया, अब वो भी उड़न खटोलियां करेगा और चुराएगा चीजें, तो इसलिए अपनी अपनी चीजों को ध्यान से रखें और संभाल कर रखें। जनाबे वाला आज हमने बहुत सारे फसादे और भी इकट्ठे किए हैं आपके लिए, और क्या क्या है हमारे पास। अच्छा एक ऐसा अभी डॉगी मॉगी का जिक्र कर रहे हैं ना, ऐसे कई ऊटी पटूटी से डॉगी मॉगी होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं,
دیکھنا دنیا بڑی خوبصورت ہے, پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے, لیکن سوئٹزر لینڈ کا اگر ہم ذکر کریں نا, سوئٹزر لینڈ بڑا خوبصورت ہے ملک. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ مجھے کوئی سوئٹزر لینڈ لے کے جائے, پیسے نہیں ہیں میرے پاس, اگر یہ لوگ تعویذوں سے پیسے اکٹھے کر کے دیں تو میں چلی بھی جاؤں گی ویکیشنس کے لیے. تو ادھر کی نا مجھے ایک ویڈیو نظر آئی جس میں میں نے دیکھا اتنا خوبصورت منظر ہے, اتنا خوبصورت منظر ہے, اور ڈاگی ایک چھوٹا سا وہاں پہ روڈ پہ یوں یوں کر کے چل رہا ہے. تو میں نے کہا یہ دنیا کا اتنا خوبصورت حصہ کاٹو ٹی وی کے لوگوں کو بھی دکھانا چاہیے, چل کے دیکھیں. یہ چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں میں نے آپ کے لیے اکٹھی کیا, دیکھیں اس کو, اس منظر کو دیکھیں جناب, اتنا خوبصورت منظر ہے. یہ دیکھیں جی, آہستہ آہستہ چل کے نیچے کی طرف جا رہے ہیں جی, روڈ ہے ساتھ, سامنے پہاڑ ہے, پہاڑوں پہ بادل ہیں ساتھ, سامنے ایک بہت بڑا سا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں سمندر ہے یا دریا ہے, میں بڑی کنفیوز سی ہو گئی ہوں ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ گرینری ہے, اتنا خوبصورت منظر, اور یہ ڈاگی کو اتنا اتنا مینرز والا اور اتنا ڈسپلنڈ قسم کا ڈاگی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کیسے چلنا ہے. میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں کتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت خوبصورت منظر بنائے ہیں, ایسی قدرتی چیزیں جب میں دیکھتی ہوں میں بڑی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں, اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ کارٹو کی ٹی وی کا لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے محروم نہ رہیں اور ان کو میں دنیا دکھا دوں. کون ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ. ہلو, ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے؟ عمران بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. عمران کیسے ہو؟ ٹیڈر ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہو گے, نکی پھوپھو سے بات کیا کرنا چاہتے ہو؟ بس آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور اچانک دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا چلو کال کر لیتا ہوں آپ. اچانک کون سا پروگرام دیکھتے ہیں ایسے, اچانک تو میں نہیں آ گئی نا, کہیں اوپر سے ایسے نازل تو نہیں ہو گئی نا. تو پہلے پروگرام پورا دیکھ لو پھر اچانک کال کر لینا مجھے. اچھا, میں آپ کا انداز مجھے بہت اچھا لگا اس وجہ سے میں نے آپ کو کال ملائی. آپ کی ٹی وی کی آواز کھلی ہے, مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح سے. ایک تو کال چلی گئی, دیکھا آپ جب بھی مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں نا, بڑا آٹومیٹک قسم کا فون ہے, ٹیکنیکل سا. اچھا, جب بھی آپ مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ اپنی آواز ٹی وی پہ سننے کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ نہ ہو جائیں کہ آپ مجھ سے بات ہی نہ کر سکیں, مجھے بڑے برے لگتے ہیں عجیب سے. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں. جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ میں نکی پھوپھو شو میں آپ کو جھلکیاں ملکیاں بھی دکھاتی ہوں, ایسی جھلکیاں ملکیاں ایسی فلمیں دکھاتی ہوں جو کہ آنے والی ہیں یا آ رہی ہیں یا لگی ہوئی ہیں سینما پہ. ایک ایسی فلم ہے میرا بڑا ہی فیوریٹ ہے قسم سے, نکی پھوپھو کو اگر کوئی پسند ہے تو میں آج آپ کو دکھا دیتی ہوں مجھے کون پسند ہے. ڈوین جانسن کی بات کر رہی ہوں جناب اس فلم میں, ڈوین جانسن ہے, ہوبن شو کا ذکر کر رہی ہوں. ایک ایسا فلم کا ٹریلر دکھاتی ہوں آپ کو, یہ فلم لگی ہوئی ہے سینما پہ, آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. پہلے دیکھیں گے جھلکیاں پھر بات کرتے ہیں اس بات. جی جناب, ویلکم نی بیک, کیا کہیں گے آپ کو نکی پھوپھو میں. شابیر بھائی بند کرتے ہیں اس کو. اچھا جناب, ہمارے پاس کال آ گئی ہے, فلم کے بارے میں بات نہیں کرتے دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کی کال ہے. ہلو, السلام علیکم نکی پھوپھو. منظور ہے, کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نکی پھوپھو پر بڑے مسئلے مسائل بنے نے. سب تو پہلے تساں عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک, منظور ہے. ویسے تو عید گزری ہے تو اتنے مسئلے کیوں بن گئے ہیں زندگی میں؟ میں بتاتا ہوں, وہ جو آپ سے مجھے تو پتہ ہی نہیں نا, یہ کارٹو ٹی وی کا کدھر ہے دفتر, ہو وہ تو آپ نے بھابھی میں اپنی کو دے دی ہیں تویز سارے, ٹھیک ہے, اس پہ تو ہو گیا اثر. وہ سارے کام جتنے بھی ہیں میرے حوالے کر کے آپ کی بھابھی چلی گئی ہے اپنے گھر, ٹھیک, اور بچے بھی میرے ذمے, سارے کام میرے ذمے. آپ بتاؤ میں کیا کروں نکی پھوپھو, مسئلہ حل کریں. ارے دیکھیں بات سنیں نا, یہ بڑا کریٹیکل قسم کا مسئلہ ہے. اس ہوا یہ تھا کہ آپ کی جو بیگم ہے انہوں نے مجھ سے تعویذیں لیے تھے اور مجھے کچھ پیسے دیے تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ منظورہ مجھے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں دیتا. میں نے کہا دیکھو تم اسے تعویذ لے لو تاکہ جو ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. اب جب میں نے اسے تعویذیں دیا تو اس کا اثر الٹا ہو گیا. اسے جو میں نے تعویذیں دیے تھے اس نے اس کو غلط استعمال کر لیا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے گھوم گیا. آپ نکی پھوپھو, ہوا کیا ہے کہ آپ, وہ تو ہو گیا نا, میں نے اس کو پیسے بھی دیے, کپڑے بھی لے کے دیے, سارے دیے. وہ ابھی ایک ہفتے سے عید سے گئی ہوئی ہے, وہ سارے کام مجھے کرنے پڑے ہیں, بچوں کے لیے کھانا بنانا, چیزیں کرنا, کپڑے دھونا, برتن دھونا, ساری چیزیں نکی پھوپھو یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ ادھر کیٹو پہ وہ چٹا نہیں ہے, چٹا کارٹو ٹی وی پہ چٹا کون ہے؟
हाँ वो चिट्टा सोना जा लड़का है, एक वो मॉर्निंग शो करता है, मैं आपकी गिफ्ट चीजें सारा कुछ उसको दे के गया हूँ। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया, मेरा गिफ्ट किधर है, कौन है टिड्डा? वो नहीं है अपना लशारी साहब, लशारी साहब वो लशारी को दे दिया, नो माना तू आज मुझसे बच ना सकेगा, कसम से मुझे नहीं दिया। तो निक्की पप्पो टाइम बहुत हो गया, मेरे लिए तवीजों का बंदोबस्त करें, चीजें करें, मेरा मसला हल करें, अगले प्रोग्राम तक मेरा प्रोग्राम। मैं आपको अगले प्रोग्राम में आपका मसला हल कर दूंगी, मैंने आपका मसला जो है ना यहाँ पे लिख लिया, आपने मंजूरा परेशान नहीं होना, ठीक है ना? और मैं आपका मसला हल करूंगी, अभी मेरे पास टाइम थोड़ा है, ठीक है? तो मैं तुम्हारी बीवी को वापस घर लेके आती हूँ। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम। ओके बाय। ये तो मंजूरा के वैसे मैंने ना सही क्या मंजूरा पैसे नहीं देता था अपनी बेगम को, अजीब गरीब किस्म की हरकत होती है, जब फिर बेगम चली जाती है तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा जनाब सॉन्ग सुनते हैं, एक मजेदार सा फिल्म जैसा आपको पता है पारे हार्ट लव लगी हुई, यहाँ पारे हार्ट लव ऐसे करके लव को कहते हैं, हट जा तू रस्ते से हट जा, उसका एक गाना है, उसका बड़े मजेदार से उसके अंदर गाने, बड़े अच्छे अच्छे डांस भी है, लेकिन एक गाना आप लोगों के लिए मैंने निकाल के रखा, चल के देखे और जब वापस आएंगे तो देखते हैं कौन कौन सी फसादे बची हैं आज। बड़ा ही मजेदार किस्म का गाना था, मुझे पारे हार्ट लव के वैसे कुछ गाने जो है बहुत अजीब अजीब से भी लगा, इतना अच्छे नहीं लगे, सीधी सीधी बात करूंगी निक्की फूफो झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये गाना मजेदार था, इसीलिए मैंने कहा Kay2tv के तमाम लोगों को सुनाना चाहिए। कॉल है, देखते हैं कौन है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन है टिडी? मैं बात कर रही हूँ सुमारा बात कर रही हूँ। सुमारा किधर से बात कर रही हो? मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ। ओए क्वेटा से इतनी दूर से बलूचिस्तान से कॉल कर दी, कैसी हो टिडी? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे कितनी बड़ी फैन हो, कितनी बड़ी फैन हो, इतनी बड़ी फैन हो जितना फैन ऊपर चलता है। आप आपकी जो मूवमेंट है, आप क्या हो गया, प्यारे प्यारे जो बाल है, आपकी जो लिप्स है, फैन हो बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है तो तुम तो बड़ा बहुत बड़ा पंखा हो इस्तेमाल करना चाहिए। कैसी चीजें अच्छी लगती है तुम्हें? निक्की फूफो की फसादे भी पसंद है या फसादे नहीं पसंद? आप ये ड्रेस बहुत सूट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी लग रही है। अरे ऐसी बातें करती हो ना, कसम से दिल ले जाती हो, ऐसी जो टिडिया मिडिया मेरी तारीफ करती है ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हो जाती हूँ, कोई जिंदगी में मसला तो नहीं है अभी तुम्हारी? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बताओ कोई जिंदगी में मसला तो नहीं चल रहा तुम्हारे? टिडी किधर गई हो, किधर चली गई टिडी? मैं दुखी हो गई हूँ, इतनी तारीफ कर रही थी, मेरे से शबीरे से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, एक तो कसम से मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा दोबारा कॉल कर लेना, पता नहीं मैंने कहा कि इतनी तारीफ कर रही है तो इसका कोई मसला है तो मुफ्त में हल कर दो। वैसे तो आपको पता है ना, जैसा कि आपको पता है ना कि मुझे तारीफें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आज मुझे पता नहीं चला कि इतनी सारी फसादे थी, शो कैसे जो है उसका वक्त चला गया, रुको जरा टाइम तो देखूं, अरे टाइम का भी पता नहीं चला, निक्की फूफो ऐसे ख़त्म हो जाता है ना, मुझे दिल करता है आप लोगों के साथ बातें करती रहो। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा जनाब, और एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबके सुकून बर्बाद कर रहा है और आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट लेके आ है, क्योंकि बोरिंग ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार सा अखियां गाने का नाम है लेके आई हूं, जाते जाते आप वो सुने, और निक्की फूफो से अगर कोई भी मसला होता है तो आप निक्की फूफो के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे बता सकते हैं, मैं मसला हल करूंगी, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, और इसी तरह से मेरा पंखा बने रहना है, मतलब मेरा फैन बने रहना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।